सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप कहते हैं महाराज जी हमारा पति बहुत दुष्ट है, झगड़ा करता है, मारता है, शराब पीता है। माना कि आपका पति शराबी है, दुष्ट है, पर फिर भी आपका पति है, इसलिए पत्थर में यदि भगवान को देख सकती हो तो पति में भी भगवान को देखने का अभ्यास करो। जो पति कर रहा है उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा, जो आप कर रही हो वो आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। इसलिए पति के साथ बुरा व्यवहार ना किया जाए, नहीं तो उसका दंड मिलेगा। और पुरुष को भी चाहिए कि पत्नी के साथ बुरा व्यवहार ना हो, नहीं उसका भी दंड हमें मिलता है। अर्थात पति और पत्नी कैसे हो? भगवान राम और सीता, भगवान राम और सीता कैसे रहते थे? एक दूसरे के पूरक हैं। पत्नी हमेशा पति की पूरक रही है और पति हमेशा पत्नी का पूरक रहा है। अकेली स्त्री भी किसी काम की नहीं और अकेला पुरुष भी किसी काम का नहीं। दोनों जब मिलते हैं तो 100 होते हैं, नहीं तो 50-50 हैं। इसलिए आप दोनों शक्ति हैं, अकेले नहीं। भगवान राम और सीता दोनों पति पत्नी थे, कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और रुक्मणी कितने आनंद से रहते थे। कृष्ण और राधा, राधा भी पत्नी है, भगवान की विवाह हुआ है, राधा के साथ कृष्ण कितने आनंद से रहते। आज भी मंदिरों में राधा के साथ ही खड़े हैं। जब भगवान अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाते हैं तो भगवान हम लोगों को यही तो संकेत देते हैं, तुम भी गृहस्थ में रहो, पर गृहस्थी तरीके से चलाओ। पति कोई गलती करे तो पत्नी उसे समझाए, उसे कहे बात सही है, पर झगड़ा ऐसा ना हो कि आपके रिश्तों में खटास आ जाए। पत्नी गलती करे तो पति समझाए, इतना झगड़ा ना करो कि रिश्तों में खटास आ जाए। पति कुछ कहे तो पत्नी को चुप रहना चाहिए और पत्नी कुछ कहे तो पति को सह लेना चाहिए। गृहस्थी की गाड़ी समझदारी से चलती है। कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता, पति ने डांट दिया, पत्नियां मुंह फुलाए बैठी हैं। बहुत ज्यादा डांट दिया तो झोला उठा के ससुर मायके, चूहे की दौड़ बिल तक। चूहा भागेगा तो कहां जाएगा? बिल में। स्त्री भागेगी कहां जाएगी? मायके। समाधान नहीं है इससे। पति जब गाली दे, पति जब डांटे तो क्या करना चाहिए? आप उसकी अर्धांगिनी हैं, स्त्री हैं, आप दुर्गा हैं, आप क्षमा की मूर्ति हैं, आप मां हैं, आपके अंदर ममता होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। पति डांट रहा है, गाली दे रहा है, आपकी माँ को गाली, आपके पिता को गाली, कोई बात नहीं। आपका स्वभाव, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि लोहा पत्थर धूप में गर्म हो जाता है पर हीरा धूप में ठंडा रहता है, तात्पर्य यह हुआ पति की इतनी गालियां खाने पर भी आपका स्वभाव शीतल ही रहे, ठंडा ही रहे, इस स्वभाव से तो गृहस्थी चलेगी। और आप भी गर्म हो गई तो वह रिश्ते टूट जाते हैं। एक पत्नी बोली, गुरु जी हमारा पति बहुत गाली देता है। हमने कहा आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? हाँ हाँ महाराज जी, प्यार भी करता है। हमने कहा जब प्यार आपसे करता है तो डांटेगा भी आपको। अब प्यार आपसे करे और डांटे पड़ोसन को, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब आपसे प्यार करता है तो डांटेगा भी आपको, इसलिए छोटी छोटी बातों को छोटी ही रहने दो, उन्हें बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप समझदार नहीं कहलाएंगे। पति पत्नी का विवाद सुबह हो तो शाम तक सदा के लिए खत्म हो जाए,
ये विवाद तो ठीक है, पर अब विवाद चल रहा है महीनों से सालों से, ये विवाद हानिकारक है। खासकर मैं स्त्रियों से कहूं, पति पत्नी में झगड़ा हो तो मायके जाने की गलती कभी ना करना। मायके वाले आपको रख लेंगे, आपको कहेंगे कि अब ससुराल मत जाना, पर कब तक रहोगी अपनी माँ के पास, कब तक रहोगी अपने भाई के पास, कब तक रहोगी? महीने भर रहोगे, दो महीने रहोगे? स्त्री का कल्याण ससुराल में है। स्त्री को समझदारी का परिचय देना है और पुरुष को बहुत समझदारी का। खासकर ये जो आज बच्चे शादी कर लेते हैं, शादी के बाद हम देखते हैं तलाक हो जाता है। क्यों होता है? केवल समझदारी की कमी से। आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय देंगे, दोनों में थोड़ी थोड़ी समझदारी होगी, गंभीरता होगी। एक बार एक संत से एक आदमी ने कहा, महाराज मैं शादी करूं कि ना करूं, आपने की है, आपका अनुभव क्या है? तब बड़े महात्मा ने कहा, बेटा शादी करना अच्छी बात है, पर शादी तब करना चाहिए जब आपके अंदर सहनशीलता आ जाए। यदि सहनशीलता है तो शादी कर लेना, और सहनशीलता नहीं है तो शादी बिल्कुल ना करना। शादी के बाद सहन करना पड़ता है, पत्नी की भी सहन करना पड़ता है, पति की भी सहन करना पड़ता है, परिवार की भी सहना पड़ता है। शादी कर लोगे, पति पत्नी आप हो, कल भाई ताना मारेगा, कमाता कुछ नहीं है, खाता रहता, जिठानी ताना मारेगी, देवरानी ताना मारेगी, कुछ कमाता धमाता नहीं है, खाती रहती है, टुकड़ों पे पलते रहते हो, कोई भी कुछ भी कह सकता है। इन सारी बातों को सहन करना चाहिए, और सहन करते हुए अपनी गृहस्थी बड़े आनंद से चलाना चाहिए। और मैं आपको एक निवेदन और कर दूं, आज मैं देखता हूं भाई भाई, छोटा भाई कमाता है बड़ा भाई खाता है, या बड़ा भाई कमाता है छोटा भाई खाता है। जो आदमी कमाता है ना, बड़ा भाई कमाता है, तो बड़े भाई की पत्नी छोटे भाई को ताना तो मारेगी, देवर को, ऐ मेरा देवर पड़ा पड़ा खाता, कुछ कमाता तो है नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, आपको किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। आपकी भौजाई आपको ताना मार रही है, आपका भाई आपको ताना मार रहा है, ठीक मार रहा है, क्यों नहीं कमा कर खा रहे हो, क्यों तुम दूसरों के टुकड़े पे पल रहे हो? अरे दूसरों की हलवा पूड़ी और खुद की कमाई की बासी रोटी, बासी रोटी खाकर नमक के साथ रहो, पर अपनी कमाई का खाओ, दूसरों की कमाई के 56 भोग भी खाने नहीं चाहिए। बड़ा भाई कमाता है, छोटा भाई पड़ा पड़ा खाता है, स्वाभाविक कहेगा ठीक कहता है, बड़ी भौजाई कहती है ठीक कहती है, तुम कमा कर क्यों नहीं खा रहे हो? और बाद में रोते हो, हमारी भाभी ने ये कहा वो कहा, अरे भाई ठीक कहा, क्यों पड़े हो, क्यों नहीं कमाते हो? इसलिए शादी करने के पहले भी आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपकी पत्नी को आप क्या खिला पाएंगे अपनी कमाई से, क्या उसे कपड़े पहना पाएंगे अपनी कमाई से, क्या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा दे पाएंगे। यदि इतनी व्यवस्था है, आपके अंदर कुछ करने की ताकत है, तो विवाह करो, दूसरों के भरोसे में पत्नियां ना लाया करो कि मेरा भाई कमाता है तो मैंने शादी कर ली, भाई के टुकड़ों पर पलता रहूंगा। पहले अपना सेल्फ हो जाओ, अपने पांव पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लो, अपनी पत्नी को खिला सको तो कर लो। इसलिए विवाह करने के पहले बहुत विचार करना चाहिए, और लड़की के पिता को भी विवाह करने के पहले ये विचार करना चाहिए, जिसके साथ आप अपनी लड़की का विवाह कर रहे हैं वो दो पैसा कमाता है या नहीं। यदि कमाता है, वो करोड़पति नहीं है चलेगा, पर दो रोटी कमाने की ताकत रखता हो अपनी मेहनत से,
तो बेटी का विवाह कर देना। और आपने ये सोचकर कर दिया कि दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं और बाप की संपत्ति तो है ही, और बड़ा भाई तो सरकारी नौकरी पे है और छोटा भी है और बीच वाले से कर दो, तो बड़ा और छोटा कब तक खिलाएगा। इसलिए सेल्फ जिंदगी अच्छी है। ये गृहस्थी के छोटे छोटे से नियम हैं, इन नियमों को फॉलो करते रहोगे, पैसे कमाते रहोगे, परिवार का भरण पोषण करते रहोगे तो आनंद बना रहेगा, और दूसरों के टुकड़े में पलोगे और भ्रष्टाचार गलत करोगे तो भी घर में विवाद होगा। इसलिए जितनी ईमानदारी से आप कमाते होंगे, जितनी ईमानदारी से आप खाते होंगे, आप उतने सुखी होंगे, और जितनी बेईमानी से कमाकर खाते होंगे, आप उतने दुखी होंगे। गृहस्थी के कुछ फंडे हैं, उन नियमों को फॉलो कीजिए। गृहस्थी समझदारी का विषय है, मैच्योर हो जाना ही गृहस्थ, जब तक मैच्योर ना हो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करना, नहीं तो दांतवा सब टूट जाएंगे, ऐसी ठोकर लगेगी, थोड़ी सी समझदारी। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों को कथा सुनवाया करो, हम ही उनको मैच्योर कर देंगे, कथा सुना सुना के शादी के योग्य हो जाएंगे, कैसे गृहस्थी चलानी है सब सीख जाएंगे, कैसे रिश्ते निभाने हैं समझ जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप पति पत्नी समझदारी से अपना गृहस्थ जीवन चलाएं। पति को चाहिए पत्नी का सम्मान करे। एक सज्जन हमसे बोले, गुरुजी हमारी पत्नी बीमार रहती है, क्या हम उसकी सेवा कर सकते हैं। एक पत्नी हमसे बोली, गुरुजी हमारे पति हमारा सिर में दर्द रहता है, सिर दबाते हैं, हमसे उठा बैठा नहीं जाता, तो घुटनों में तेल हमारे पति लगाते हैं, क्या हमें पाप लगेगा। हम पति से सेवा करवाते हैं, क्या हमें पाप लगेगा। हमने कहा नहीं, जैसे पत्नी का धर्म है कि पति की सेवा करे, यदि भगवान ना करे आपकी पत्नी पर कोई संकट आ गया तो पति ही तो उसकी सेवा करता है, मतलब पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। केवल पत्नी सेवा करे पति की, ऐसा नहीं है। यदि पत्नी पर कोई आपत्काल आ जाए, विपत्ति आ जाए, शारीरिक कष्ट आ जाए, तो पति भी उसकी सेवा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भगवान श्री राम वनवास गए, तब मंथरा माता ने माता सीता को वस्त्र लाकर दिए, ए सीता वो अपने राजसी वस्त्र उतारो और जंगल के ये वलकल वस्त्र पहनो। मंथरा ने जब वस्त्र दिए तो सीता माता जंगली वस्त्र, जंगल में साधु सन्यासी का जो कपड़ा है वो एक राजमहलों में रहने वाली राजकन्या उससे थोड़ी बनेगा। सीता माता को समझ नहीं आया कि इन्हें पहनना कैसे। तब भगवान श्री राम, देखिए पति कैसा है, भगवान श्री राम गए और माता सीता को अपने हाथ से उन कपड़ों को पहनना सिखाया, पहना कर बताया, सीता इसे ऐसे पहनना है, इसे ऐसे ऐसे पहनो। भगवान राम सीता को कपड़े पहनना सिखा रहे हैं। जंगल में जब सीता के पांव में कांटे चुभ जाते हैं ना, तो भगवान राम माता सीता के कांटे निकालते हैं, राम सीता के कांटे चरण पकड़ते हैं, अपने जंघा पर रखते हैं, सीता के चरण अपनी जांघ में रखकर और माता सीता के चरणों के कांटे, माता राम के चरणों में कांटा लग जाए, राम के चरणों में कांटा लग जाए तो लक्ष्मण निकाला करते थे, पर माता सीता के चरणों में कांटा लग जाए तो भगवान राम निकाला करते थे। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। इस रिश्ते को शायद लोग नहीं जानते, इस रिश्ते को शायद लोग नहीं समझते और बिना समझे बिना जाने निभाते रहते, इसलिए लोगों की जिंदगी बोझ बन जाती है, क्योंकि आपको उसका ज्ञान नहीं है। भाई मेरे पास हीरा है,
और मुझे पता ही नहीं कि ये हीरा है, मैं तो कांच का टुकड़ा समझ रहा हूं। उसी तरह जिन रिश्तों को आप निभा रहे हैं, वो रिश्ते आप और हम नहीं बनाते, सबके रिश्ते भगवान बनाया करते हैं, हमें तो सिर्फ निभाना होता है। इसलिए बहुत प्यार से रहिएगा पति पत्नी, और खासकर पति पत्नी तुम दोनों किसी के बहकावे में आकर आप दोनों झगड़ा ना कर लेना आपस में, और आप दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम से रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी सास ससुर का, अर्थात बहू सास ससुर की सेवा करे और आपका पति अर्थात अपने माता पिता की सेवा करे। मतलब आप अपने माता पिता की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, यही गृहस्थों का धर्म है।